हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वात्सल्य। आज हम बनाएंगे लोहड़ी स्पेशल तिलचौली। इसको हमारे हिमाचल में स्पेशली बनाया जाता है लोहड़ी वाले दिन, और ये हर घर में हर टाइप से बनाई जाती है, अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। हम लोग अपने घर में इसको इस तरीके से बनाते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको हम लोग पूजा के टाइम भी यूज़ करते हैं। जो लोहड़ी में हवन किया जाता है उसमें पहले इस चीज़ का हवन किया जाता है, ये जो हम तिलचौली बना रहे हैं इसका हवन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आस पड़ोस में शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं तिलचौली कैसे बनाई जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने इसको शाम के टाइम बनाना है तो सबसे पहले हमने ये जो चावल हैं, ये मैंने देसी चावल लिए हैं, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। ये चावल जो हैं इनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इनको आपने थोड़ी देर के लिए धूप में रखना है। इससे क्या होगा, इनका ये जो पानी है इनमें वो सूख जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इनको पेपर के ऊपर रख के या टावल के ऊपर रख के भी सुखा सकते हैं। उसके बाद मैंने तिल लिए हैं, सेसमे सीड, इनको भी मैंने अच्छे से धो लिया है और धूप में सुखा लिया है। उसके बाद मैंने लिया है देसी घी, इसमें बहुत कम देसी घी लगता है। अगर आप देसी घी खाना पसंद नहीं करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ये ली है मैंने रेवड़ी, ये लिए है मैंने रेजिन्स, किशमिश, उसके बाद ये है लिए हैं मैंने पीनट्स, ये हैं पीनट्स, और ये मैंने गाजर और मूली को भी अच्छे से धो के धूप में सुखा लिया है। ये काम आपको मॉर्निंग में करना पड़ेगा क्योंकि इनको धूप लगाना जो है वो ज़रूरी भी होता है। अगर आप धूप नहीं लगाना चाहते हो और अगर आपने जल्दी में करना है तो आप इनको पेपर में सुखा लें या टावल से सुखा लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इसमें जैगरी का भी यूज़ होता है, गुड़ का भी यूज़ होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की प्रोसीज़र। गैस मैंने ऑन कर दी है, गैस को हमने लो या मीडियम फ्लेम पर रखना है। उसके बाद हमने ये जो राइस लिए हैं इनको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई हमने इसलिए करना है जिससे कि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाए उसको हमने सुखा लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी का यूज़ करूँगी, ये इतना सा लिया है मैंने। ये देखिए ये एक टेबलस्पून से भी कम है। इसमें डाल देंगे हम राइस। इसको हमने भूनना है। ये जो चावल हम डालते हैं इसमें, इसमें जब भूनते टाइम इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग पड़ेगी, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं। इनको हमने बस थोड़ी सी देर ही भूनना है जिससे इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये देखिए राइस जो हैं वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इनको एक बर्तन में बदल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा फिर से घी डालेंगे, और ये जो हमने सेसमे सीड लिए हैं, तिल लिए हैं, इनको भून लेंगे। इनको भी हमने थोड़ी देर चलाना है, अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा या गीलापन होगा वो इससे चला जाएगा। ये देखिए तिल भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनको ये जो जिसमें हमने राइस डाले हैं, चावल डाले हैं, उसी में ही बदल देंगे।
ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा देसी घी कड़ा मैं पैन में और डालूंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम लोग। और उसके बाद ये जो हमने कैरेट और रेडिश काट के रखी है छोटी छोटे पीसेस में, उसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसको बना के 5 और 10 डेज के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक रहेगी, और अगर फ्रिज में रख देंगे तो आप इसको फिर से गर्म करके खा सकते हैं। ये लोहड़ी के दिनों में सबकी फेवरेट डिश होती है। हमारे यहाँ लोहड़ी तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी के अगले दिन हमारे यहाँ खिचड़ी मनाई जाती है, और खिचड़ी को भी हम लोग सबके साथ शेयर करके खाते हैं, आस पड़ोस में भी बांटते हैं, आस पड़ोस में भी शेयर करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा कोरोना काल चला हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अपने घर के ही अंदर करनी पड़ रही हैं, शेयरिंग थोड़ी सी कम हो गई है। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल। ये गाजर और मूली जो है ये अच्छे से भून चुकी है। इसका पता हमें कैसे लगेगा कि ये भून चुकी है, जब इसमें से वो जो गाजर और मूली की कच्ची सी स्मेल होती है ना, रॉनेस जो होती है, वो स्मेल जब चली जाएगी उस टाइम हमने इनको बदल देना है। ये तिल चौली में हमने क्या करना होता है, चावल जो हैं अगर आप रात को ही भिगो दो तो वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। उससे क्या होगा, रात को भिगो के रखेंगे तो चावल जो हैं वो थोड़े से पानी में गल भी जाते हैं, और सुबह इनको सुखा देंगे धूप में तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी। में हम लोगों ने रेजिन जो है, किशमिश जो है हमारी, इसको फ्राई कर लेना है। ये जब फूलने लग जाएगी तो हमने इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस बार लोहड़ी पर इसको जरूर अपने घर में बनाइए। लोहड़ी के अगले दिन जो खिचड़ी बनाई जाती है, हम लोगों ने उसको भी बना के शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना कि हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रेजिन्स फूल चुके हैं, इनको हमने घी अलग कर देना है, और इसको इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ये ऐसे, अब हम लोगों ने इसी घी में ये जो हमने पीनट्स रखे हैं इनको फ्राई कर लेना है। पीनट्स को हमने थोड़ी देर चलाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इनको। ये देखिए, पीनट्स भी हो चुके हैं, इनको भी हमने घी से अलग करके निकाल लेना है। इस तरीके से। इसके बाद थोड़ा सा घी और डालेंगे, ये इतना सा। अब हम इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा ही पैन में डाल देंगे।
इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल सिम होनी चाहिए इस टाइम। ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद डालेंगे हम जैगरी, गुड़, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैगरी भी डाल सकते हैं और आप शुगर भी डाल सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने भी कम ही डाला है और इसमें ये डाल दी मैंने लास्ट में रेवड़ी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हमने इसको जैगरी को जब तक मेल्ट नहीं हो जाती है इसको हमने इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है। जैसे ही जैगरी जो है मेल्ट होगी हमने गैस बंद कर देनी है क्योंकि अगर हम लोग इसको ज़्यादा और भून देंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगती है। जैगरी जो है वो मेल्ट हो रही है और इस तिलचौली में से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसका कलर वो नहीं आया है जो कि एक्चुअल में तिलचौली का होता है। इसका थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है और इसको हमने लगातार चलाते रहना है, ये नीचे नहीं लगनी चाहिए नहीं तो जले हुए की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं आती है, इसको खाते टाइम अच्छा नहीं लगता है। फिर ये देखिए इसमें अब ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है, अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, अब हम इसको बंद कर देंगे। इस तिलचौली में ये जो गाजर और मूली का टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा आता है और ये जो गाजर हमने डाली है इसका कलर भी बहुत अच्छे से आता है। इसको इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन, आपने राइस जो हैं वो रात को भिगो लेने हैं जिससे कि ये थोड़े से गल भी जाएं और कच्चे भी ना रहें। मॉर्निंग में हमने ये जो राइस हैं इनको धूप में सुखा लेना है। नंबर टू पर हमने गाजर और मूली को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में काटना है जिससे कि इनमें ये अच्छे से दिखाई भी दें और इनका टेस्ट भी आए। और जब जो हमने सेसमे सीड लिए हैं, तिल जो हमने लिए हैं, इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है जिससे कि इसमें वो जो सेसमे सीड का कच्चापन है वो ना आए, और जो हमने गाजर और मूली ली है उसको भी अच्छे से भून लेना है जिससे कि इन सब चीज़ों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक गई है, और अगर हो सके तो आप इसमें गुड़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, ये थोड़ी सी मीठी हो तब भी बहुत टेस्टी लगती है, अदरवाइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी रख सकते हैं। और इसको आपने लगातार चलाना है और गैस की जो फ्लेम है उसको लो और मीडियम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर इसमें कोई भी काम नहीं करना है। ये देखिए इसका कलर ही कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आप इस बार लोहड़ी पर ये ज़रूर बनाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।